so now let's see our third example and the third question is uh, it's a series of binomial coefficient और इस तरह का form हम लोगों ने अभी थोड़े देर पहले ही देखा है बच्चों

एंड इट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज नॉट इन समिशन फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए दैट द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज एंड ऑलवेज टू गेट द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज जब जनरल टर्म लिखेंगे तो वहीं से आपको आइडिया मिलेगा चाहे वो क्वेश्चन बच्चों थ्योरम का हो या टेक्नोमेट्रिक सीरीज हो या आपकी एपीजीपी वाले सीक्वेंस सीरीज में कोई मिसलिनियस टाइप सीरीज हो आपकी कोई भी सीरीज है एक्सेप्ट एपीएन जी पी बिकॉज एपीजीपी में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मुला है और बाकी किसी भी सीरीज को सॉल्व करने के लिए द फर्स्ट स्टेप हैज बी टू गेट इट्स जनरल टर्म ये बात याद रखिएगा बच्चों ठीक है तो लेफ्ट राइट दर्म तो एज ए सेट देखिए फाइव एट देन इलेवन सो दैट्स फॉर्मिंग एंड दी तो ये आपका एपी बन रहा है अच्छा यहाँ पे हम जरूर ये सजेस्ट करेंगे कि जब भी आपको इस तरह के बायोम कोफिशियंट की सीरीज में जनरल टर्म लिखना हो एंड द फर्स्ट टर्म इज हैविंग लाइक सी टर्म ठीक है जो पहला टर्म इस सीरीज का है उसमें अगर बायनोमल कोफिशन ट्वेंटी सी जीरो या एन सी जीरो फॉर्म है तो आप फर्स्ट टर्म यहां से कंसीडर करें बच्चों ठीक है उसका रीजन ये है कि जब हम एपी की सीरीज लिखते हैं नथिंग कॉल्ड लाइक जीरो टर्म है, like है ना तो फर्स्ट टर्म अगर हम यहां पे 5, 8 से लिखें तो फाइव एट एंड सो ऑन तो इसका जनरल टर्म क्या है कॉमन डिफरेंस इट आर माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस थ्री तो आ, ये आ गया आपका थ्री आर प्लस टू दैट्स योर फर्स्ट टर्म ठीक है तो अब हमने यहां पे लिखा सो दिस इज थ्री आर प्लस टू इंटू एन सी वन

टू राइट द जनरल टर्म ठीक है तो जनरल टर्म लिखते वक्त थोड़ा सा फॉर्म तो हम लोगों ने सॉल्व करना देखा है ना वॉट डू वी नीड हेयर बट द सम ऑफ ऑल सर्च टर्म्स ऐसे सारे टर्म्स का सम है आपकी ये दी हुई सीरीज जीरो से लेकर ट्वेंटी तक का ठीक है सो वेयर एन इज ट्वेंटी 20 अगर आप चाहें तो हम यहां पे 20 यहां लिख देंगे अब व्हाट टू डू इन दैट केस तो पहली चीज तो हमें पता है सममेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है और अगर कोई कांस्टेंट आपका वेरिएबल से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है सो दैट कम्स आउट ऑफ द सममेशन साइन तो यहां पे ये यह हो जाएगा r, into 20cr, where r goes from to 20 cr वेयर r गोस फ्रॉम 0 टू 20 2 टाइम्स सममेशन ऑफ

ट हैव यू ऑलरेडी सीन तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं बच्चों तो ये करते हैं एस को हमने लिखा थ्री टाइम्स ठीक है टाइम ना वॉट तो आर इंटू ट्वेंटी माइनस आर फैक्टोरियल ये लिख दिया ठीक है और ये तो हो गया अपना प्लस टू रेस्टो दिपार ट्वेंटी वन द सेकेंड टर्म देयर है ना तो ये पूरा का पूरा टर्म बच्चों ये हो गया आपका टू रेस्टोदीपा ट्वेंटी वन ठीक अब वट कैन वी डू इसको यहां पर कैंसिल आउट करेंगे तो यार माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा और ट्वेंटी फैक्टोरियल को हम यहाँ पे लिख देंगे अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका नाइनटीन सी आर सो यूल गेट हेयर थ्री टाइम सबेंटी भी बाहर आ जाएगा ट्वेंटी भी बाहर आ जाएगा सबमिशन के कॉन्स्टेंट है सो दिस विल बी नाइनटीन सी R minus one. R goes from one to वन टू ट्वेंटी ठीक है तो आर जो है आपका वन से लेकर ट्वेंटी जाएगा तो देखिए सॉरी जीरो से लेकर ट्वेंटी जाएगा बट जीरो वाला टर्म तो आपको कोई रेलिवेंट रहेगा नहीं सो so, ऑब्वियसली यहां पे आप आर जो है वो वन से लेकर ट्वेंटी तक लेकर जाएंगे बच्चों ठीक है तो खैर यहां पे हमने फिर चेंज किया तो आर गो फ्रॉम वन टू ट्वेंटी नाउ दिस इज प्लस टू रिजाव ट्वेंटी अगेन दिस इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल पॉसिबल बोमल कोफिशियंट ऑफ दूस पावर इज नाइनटीन ठीक है ये

यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है पे बहुत ही जल्दी ठीक है ना इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था लेकिन पॉपुलर डिमांड डिमांड पे पे बहुत सारे बच्चों की इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है ठीक है ना तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो ठीक है ना तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल ठीक है बच्चों तो तो एक ऑफर और है आई आई का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर इसमें क्या है अगर आप ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको टू मंथ का फ्री मिलता है और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको टू मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ठीक है बच्चों तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है टू मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है ठीक है ना एज सो एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैप कर लीजिए ओके आई टी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ठीक है बच्चों अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको आपके घर पे ठीक है ना स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो ठीक है ना जो कि ट्वेल्व मंथ का एटीन मंथ और ट्वेंटी मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है समझ लीजिए आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कोर्स आपके घर पे मिलेंगे ठीक नेक्स्ट देखिए ओके क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं जो कि 14 टू 15 अगस्त को होना है ठीक है ना और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा जो कि ट्वेल्थ जुलाई से डेली हो रहा है ठीक है बच्चों? इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं अगर आप टॉप टू में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ना टॉप टू में एग्जिस्ट करते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अन अकेडमी स्पॉन्सर करेगा ठीक है बच्चों जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी ठीक है नेक्स्ट अगर आप वन टू टेन रैंक में आते हो ठीक है ना तो आपको मैकबुक मिलेगा और अगर आप 11 टू 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको और 51 से लेके 100 रैंक तक को Amazon के वाउचर्स भी मिलेंगे ठीक है बच्चों तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है एस सून एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडीजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है ठीक है बच्चों तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है बच्चों थैंक यू <coughs> यहां पे दो चीजें समझें पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा है यहां पे ये यह पहला पॉइंट अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आपको दो बायनोमल कोफिशियंट के प्रोडक्ट की सीरीज दिखे सो द नॉर्मल टेंडेंसी शुड बी टू चेक वेदर द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इन एवरी टर्म इज सेम और नॉट तो अगर हम एज इट इज यहां देखें तो सम ऑफ सबस्क्रिप्ट इज टेन हेयर ट्वेल्व हेयर्स

ठीक है अब देखिए लेकिन अगर हम एक प्रॉपर्टी यहां यूज कर दें एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर तो इफ आई अप्लाई दैट प्रॉपर्टी लेट टर्म ऑफ ईच टर्म ऑफ द जो पहला टर्म है हर टर्म का ठीक है उस पर अगर ये प्रॉपर्टी यूज कर दें तो आई कैन द सीरीज एज थर्टी सी थर्टी इंटू थर्टी सी टेन माइनस थर्टी सी ट्वेंटी नाइन इंटू थर्टी सी इलेवन प्लस थर्टी सी ट्वेंटी एट इंटू थर्टी सी ट्वेल्व ना कैन बी ऑब्जर्व द सेम प्रटी और लास्ट तक जा रहा है सारे पॉसिबल टर्म्स है थर्टी सी थर्टी तक पहुंची है इसके आगे टर्म पॉसिबल नहीं है ये याद रखिएगा सारे पॉसिबल टर्म्स है अब बताइए यहां पर अगर हम सम ऑफ सबस्क्रिप्ट देखें इन एवरी टर्म नाउ इज इन दैट सेम थ्रू आउट ये भी फोर्टी ट्वेंटी नाइन प्लस इलेवन फोर्टी उट so 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 uh, अब वहां पर हम <coughs> वो प्रॉपर्टी आपको याद uh, हो जब समल सच बायनोमियल प्रोडक्ट ऑफर ऑफ बायनोमल कोफिशियंट हो जहाँ पे सबस्क्रिप्ट का सम अगर सेम रह रहा हो तो आंसर डायरेक्ट आ जाता है बट नेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है तो हम वो रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लगा सकते अब यहाँ पे जो एक्चुअली मैथड है जहां से वो वाला रिजल्ट भी डिराइव हुआ था वो मैथड फिर हम लोग देख लेते हैं तो होता क्या है बच्चों देखिये <coughs> थर्टी सुपर स्क्रिप्ट वाला जो बायनोमियल कोफिशियंट है वो आएगा तो तभी ना जब आप इंडेक्स जो है वो थर्टी है सो सिंस देर आर सो टू सच बायनोमियल कोफिशियंट लाइक रनिंग इन पैरल तो हम दो ऐसी सीरीज यहां पे दो ऐसे बायनोमियल एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे तो पहला बायनोमियल एक्सपेंशन हमने कंसिडर किया वन प्लस एक्स रेज टू दि पार थर्टी और ये पता ही है हम लोगों को थर्टी सी जीरो प्लस थर्टी सी वन एक्स प्लस थर्टी सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन लेकिन लास्ट के भी कुछ टर्म्स लिखेंगे थर्टी सी ट्वेंटी एट एक्स रेस टू दावर ट्वेंटी थर्टी सी ट्वेंटी नाइन एक्स रेस टू दावर ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी सी थर्टी

रीजन है कि फिर आपका ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन जो है वो एटलीस्ट इस सीरीज में तो आ ही जाएगा अब अगर हम यहां से लिखें तो ये पहला टर्म तो ऑब्वियसली थर्टी सी जीरो माइनस थर्टी सी वन एक्स प्लस डॉट 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 लेकिन जो हमारे पास जो हमें टर्म चाहिए वो वो है आपका पहला थर्टी सी टेन एक्स रेस्ट टू दावर टेन देन इट्स माइनस थर्टी सी इलेवन एक्स टू दि पावर इलेवन Then plus 30 c 12 x raised to the power 12 and minus and so on. So I am considering it to be our expansion or series 2. देखिए इफ आई मल्टीप्लाई सीरीज एंड सीरीज टू इफ आई मल्टीप्लाई एक्सपेंशन एंड एक्सपेंशन टू ठीक है अब आएगा तो प्रोडक्ट सही टर्म सोच रहा हूं क्योंकि ये binomial coefficients का product है, तो obviously कहीं ना कहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा सो द पॉइंट द्वार इज दैट इफ यू मल्टीप्लाई दिस एक्सपेंशन एंड दिस एक्सपेंशन व्हाट विल यू गेट इन एलएचएस एल एच एस में क्या आया तो एल एच एस में आया वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दिपार थर्टी ये तो ठीक है यहां तक तो कोई समस्या नहीं इन विल गेट सेवरल मेनी टर्म्स बहुत सारे टर्म्स आएंगे अलग अलग डिग्री वाले टर्म्स आएंगे आएंगे तो सारे के टर्म्स बिकॉज राइट हैंड साइड दोनों ही एक्सपेंशन है ठीक है तो पॉलिम के टर्म्स आएंगे अलग अलग डिग्री के हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो वो टर्म्स हैं जो ये सीरीज जनरेट कर दें अब यहाँ पे वही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ कि अगर सबस्क्रिप्ट का सम सेम है तो आप ये मान के चलें जो वो सम है हमें एक्स की पावर वही ढूंढ करना है इस सीरीज इन दो सीरीज के प्रोडक्ट में आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट कि अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट के दो बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज है एंड इफ द सम ऑफ सबस्क्रिप्ट रिमेंस सेम थ्रू आउट अगर सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो हर टर्म में सेम रहेगा बच्चों तो आप ये याद रखिएगा कि फिर हम लोग इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे देन देन वी विल बी वन विल बी मल्टीप्लाईइंग द टू एक्सपेंशंस तो हम कौन सा टर्म ढूंढ रहे होंगे उसके प्रोडक्ट में तो हम टर्म ढूंढ रहे होंगे एक्स रेस टू दी पावर वो जो नंबर ऊपर कौन सा आएगा वो नंबर वही होगा जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का सम है जो कि थ्रू आउट सेम चल रहा है तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का सम 40 ही चल रहा है थ्रू आउट तो इसका मतलब विल बी लुकिंग फॉर एक्स एज टू दि पावर फोर्टी इन आर एच एस एंड दैट विल डेफिनेटली जनरेट द सीरीज ठीक है तो हमने यहाँ पे लिखा सो दिस डॉट 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 एंड प्लस एक्स टू दि पॉर फोर्टी बिकॉज देर मेनी टर्म्स बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस ऑल्सो ठीक है तो अब देखिए एक्स एस तो फोर्टी आएगा कैसे पहला टर्म आप ये उठाइए यहां से और यहां से ऑब्वियसली जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन होता है भाई एक ब्रैकेट में ये है एक ब्रैकेट में है तो जब आप दो ब्रैकेट के टर्म्स जब प्रोडक्ट होता है तो कैसे होता है इधर से एक टर्म उठाया

इंटू थर्टी सी टेन ठीक है ये पहला फिर अब आप यहां से ये वाला टर्म उठाइए तो फिर यहां से कौन सा उठेगा तो यहां से कोफिशियंट कितना सो दिस माइनस नाउ सो माइनस थर्टी सी ट्वेंटी नाइन इंटू थर्टी सी इलेवन सिमिलरली फिर जब आप यहां से ये वाला टर्म उठाएंगे यहां से ये वाला टर्म उठाएंगे तो फिर याद आएगा प्लस डॉट 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 आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट रीजन फिर से जैसे हमने कहा इसके पहले भी बहुत सारे टर्म्स अलग अलग डिग्री के इसके बाद भी बहुत सारे टर्म्स अलग अलग डिग्री के हमें उनसे मतलब नहीं हमारा मतलब ये सीरीज था जो कि हमें पता चल गया क्या है

ठीक है इसी का सम हमें चाहिए अब होगा क्या एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज एन आइडेंटिटी अगर ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट ही बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया आइडेंटिटी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स ठीक है सो दैट मींस दिस इंप्लाई द आंसर फॉर द सीरीज इज तो जो आंसर है हमारा सीरीज का दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 40 इन एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दिपावर थर्टी ना हाउ विल यू गेट दैट तो हम मान लेते हैं लेट आर प्लस वन एट टर्म इन द एक्सपेंशन विच इज थर्टी सी आर फॉर्टी ठीक है तो अब यहाँ पे चूंकि एक ही टर्म है एक्स का तो वही आपको यहाँ पे दे सकता है सो माइनस वन रेस टू दिपार आर इंटू एक्स रेस टू दिपार टू आर सो इट्स एक्स रेस टू दिपार 2R here. So mm -hmm. up since you have only one term of x here and we need this power to be 40. So that means 2r is 40. So r is nothing but 20. 20. So therefore the coefficient of x is to the power 40 in the expansion of this is. एक्चुअली दिस होल टर्म ठीक है तो आपका आंसर आ गया तो आपकी जो सीरीज है आपको ये मैथड भी समझ में आ गया होगा कि हाउ डू वी लाइक गेट दैट रिजल्ट विच यू डिस्कस इन द्योरी पार्ट तो वो रिजल्ट आया कहां से तो उसका भी रीजन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सो दैट वॉज अवेशन बेस्ड ऑन सीरीज बच्चों okay again. So let's move to the next one. Or next question is find the coefficient of x is to the power 4 in this expansion. Now see again a previous year question, and based on the binomial expansion of any index, and how is that so? So, coefficient so we need it in. 1 minus x raised to the power 6 whole raised to power 3 into 1 minus x raised to the power minus 3. So we need the coefficient of x raised to the power 4 in this expansion. तो इसे आप ए माइनस बी के होल क्यूब से एक्सपैंड कर सकते हैं बट अगर हम सिर्फ एक दो टर्म ही लिखें तो जो सबसे छोटा डिग्री का टर्म है वो तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंट टर्म है ए क्यूब वन का होल क्यूब वन एंड देन यू हैव लाइक समथिंग माइनस थ्री टाइम्स एक्स इज टू दावर सिक्स प्लस डॉट 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 एंड देन सी एक्सपैंड दिस विद हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स तो वो एक्सपेंशन क्या होता है तो याद हो वन प्लस इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एक्स क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस

आंसर सीधे सीधे यहाँ पे आ गया, बच्चों, ठीक है सो अगेन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है ये भी याद रखिएगा सारे क्वेश्चन हम यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रहे हैं एक्सेप्ट दिस वन अब ये क्वेश्चन लेने का परपज है थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल डिस्कशन अगर इस टाइप का ये टाइप है क्वेश्चन का ठीक है तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए हाउ विल यू अप्रोच दैट तो देखिए पहला यहाँ पे यह क्वेश्चन यह यह दिया हुआ है 1 2x, so like 1 2x 10 में दिया हुआ है ठीक है अब आपके अगर दिमाग में आ रहा हो कि मल्टीनॉमियल तो कहीं मैंशन नहीं किया है तो आई एग्री टू इट I definitely agree to it, but ये जो है, इसका मल्टीनोमी से, से, से उसका कोई लेना देना नहीं है so सो डिस्कस करने का एक बहुत ही बड़ा कारण है जो आप समझ जाएंगे अभी एक कुछ ही छड़ों में बच्चों तो देखिए सबसे पहले यहां पे ये चीज क्या है तो ये एक्सपेंशन है ठीक है कितने टर्म्स आएंगे तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें ठीक है तो पहली चीज तो ये यह यहाँ पे अगर हम देखें एल में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या आएगा जब एक्स स्क्स टू पावर टेन आएगा दैट ट्वेंटी सो दैट्स गोइंग टू बी द हाईएस्ट डिग्री टर्म तो इसलिए यहाँ पे जो सीरीज है वो जीरो से लेकर ट्वेंटी तक गई हुई है तो एक्स एक्टवार ट्वेंटी इज द हाइस्ट डिग्री टर्म अब जो अगर यहाँ पे इसको हम एक्सपैंड करते हैं ये वाले सबमिशन को तो क्या आएगा ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स एक्स प्लस ए टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ट्वेंटी टाइम्स एक्स इज दिप ट्वेंटी आपका जो क्वेश्चन में गिवन था अब देखिए ये ये फिर से है तो आइडेंटिटी स्टेटमेंट ही विच इज ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स जो एक्स की हर पॉसिबल वैल्यू के लिए ट्रू है बच्चों ठीक है अब ये बताइए इफ आई आस्क यू टू गेट ए नॉट फ्रॉम दिस सीरीज वॉट वैल्यू शैल वी सब्सटीट्यूट टू गेट ए नॉट इन दिसम एक्स की क्या वैल्यू यहां पर रखें जो हमें ए नॉट मिल जाए तो ऑबियसली आप कहोगे कि हाँ जीरो रख दीजिए तो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो जैसे ही हमने जीरो रखा आपका जो आर एच एस है वो हो गया ए नॉट बट वॉट अबाउट एल एच एस एल एच एस में जैसे ही आपने एक्स को जीरो रखा ये आ गया वन ठीक है सो so द तो पहला आंसर आ गया आपका ए नॉट इज नथिंग बट वन जो ए नॉट है वो आपका यहां पे one है बच्चों तो ये पहला आंसर आ गया और एक तरीका और भी है सोचने समझने का वो ये है कि ए नॉट इज ओनली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म अब इस एक्सपेंशन में एक ही टर्म ऐसा हो सकता है जो कि कॉन्स्टेंट टर्म होगा एंड दैट इज वन टू दिपार एनीथिंग द फर्स्ट टर्म इन द एक्सपेंशन अदरवाइज बाकी टर्म्स में कहीं ना कहीं से आपके बाकी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे कोई ना कोई एक्स का टर्म आएगा तो वन रेस टू इज अगेन वन ठीक है सो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन बट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहां से आपको समझाएं जिससे कि आगे भी हमें सहायता आपको इससे सहायता प्राप्त हो अब यहां पे फिर से वही लॉजिक ए रेस टू द्वेंटी अब बताइए हाउ विल वी गेट ए रेस टू दी पार ट्वेंटी तो देखिए ए रेस टू दि पार ट्वेंटी के लिए फिर से ये हाइएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशियंट है और हाईएस्ट डिग्री टर्म कैसे आएगा ये हमने पहले ही कहा हाईएस्ट डिग्री आएगा जब इसकी रेस टू दि पार टेन कर दिया जाए ठीक है सो दैट विल गिव यू द दाइएस्ट डिग्री टर्म तो अगर हम माइनस थ्री टाइम्स एक्स स्क्टी करेंगे तो एक्स रेस्टेंटी का कितना आएगा सो दैट विल बी रेस टू द एंड हेंस आंसर इज थ्री रेस टू दर तो ये आंसर ए रेस्टेंटी का आ गया बच्चों तो ये एक और आंसर हो गया summation of all such coefficients. So uh, I need to change the slide here. So next what we need is summation of AI where I goes from 0 to 20 now. what is that? So that is like sum of all coefficients on the expansion. So I'm not calling them binomial coefficients. obviously they are not binomial coefficients. they are just coefficients from the RHS series. से आए हुए सारे कोफिशियंट का सम है अब देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि आप को दोनों पे, तो जब हमने एल एच एस में एक्स को वन रखा बच्चों तो वन प्लस टू थ्री माइनस थ्री जीरो मतलब एल एच एस तो आपका जीरो आ गया और आरएचएस में जब रखेंगे तो ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स तो ए वन इंटू वन plus a2 into, into x square 1 square is 1 plus a3 and so on you will get the sum of all possible binomial coefficient to so y hoga up थर्ड वाले का आंसर ठीक है सो दैट इज़ हाउ यू कैन गेट सी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको किसी भी एक्सपेंशन में किसी के भी एक्सपेंशन में आपको जबराइक एक्सपेंशन है तो अगर आपको वहां पे सम ऑफ ऑल कोफिशेंट चाहिए तो सीधा सा तरीका है प्रोटेक्स इज इक्वल टू वन एंड यू विल गेट समल कोफिश ये याद रखिएगा सिंपल मैनिपुलेशन ठीक है अब यहाँ पे अगर फोर्थ पार्ट ये है कि अगर आपको ऑल्टरनेट साइन के साथ चाहिए यहां पे ठीक है सो दैट इफ यू नीड समथिंग यू गेट दैट तो नाउ यू ऑल वु अंडरस्टुड अब आप समझ गए कि यहाँ पे हम एक्सो क्या रखें जो हमें ऑल्टरनेट साइन के साथ सम ऑफ कोफिश दे दे तो ऑब्वियसली यू विल सब्सिट्यूट एक्स बाय माइनस वन हेर तो फिर हम यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन एल एच एस और आर एच एस में सब्सिट्यूट कर देंगे तो जब यहां पे आप माइनस वन रखेंगे सो दैट विल बी वन माइनस टू माइनस थ्री तो हाउ मच विल बी दैट तो आपका एल एच एस आया वन माइनस टू माइनस थ्री होल इज टू दी पावर टेन और आर एच एस आपकी वो सीरीज आ गई जिसका सम आपको यहां चाहिए सो हाउ मच इज इट so so that gives you one so is minus four four फोर to the power ten four फोर to the power ten आपका ये सबमिशन आ जाता है तो ये हो गया दूसरा आंसर ठीक है सो दैट was द नेक्स्ट वन नाउ see आप बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सो द लास्ट वन इज टू जस्ट गिव यू यून आइडिया हाउ द फर्दर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम सिंपल क्वेश्चन कैन बी फ्रेम क्वेश्चन फ्रेम करने की यहां पे भी कोई बहुत लिमिट नहीं है अगेन आई विल से विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक लाइक फॉर एडवांस और मे बी फॉर कंप्लीट कोर्स तो हम लोग डिटेल में करेंगे पॉसिबिलिटीज और भी हैं बट जो जेई मीनस लेवल तक हम सोच पा रहे हैं ठीक है तो वहां तक आई बिलीव इसके आगे या इसके कॉम्बिनेशन के आगे चीजें नहीं जानी चाहिए अब ये क्या है सो दिस इज ऑल सम

Like all possible event coefficients. Matlab sum of all those coefficients in jo subscript hai wo event hai. So that is 4 raised to the power 10 voleto 2 raised to the power 20. So hence the answer is a0 plus a2 plus a4 plus a6, and the answer here is. टू डेटीन ठीक है सो अब इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि नहीं भाई हमें सारे ऑड सबस्क्रिप्ट वाले सबस्क्रिप्टेट का सम चाहिए तो विल विल यू डू ठीक है अगर हम ऊपर वाले में से नीचे वाला कर देंगे तो फिर आपको सारे ऑड कोफिशियंट वाले ऑर्ड सबस्क्रिप्ट वाले कोफिशियंट का सम आ जाएगा सो दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन विच आई विश टू डिस्कस हेयर ठीक है सो दैट्स नॉट अ रियली लाइक प्रीवियस ईयर मेन्स क्वेश्चन बट understand टू गेट डी सी एक बार आप समझ जाएंगे ये क्वेश्चन कभी भी कहीं भी जहां भी पूछा जाए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं बच्चों ठीक है सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम अब अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पे फिर अगले वीडियो में शुरू करेंगे बच्चों